Hello friends, welcome to my channel. In this video I am going to discuss about load flow studies. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लोड फ्लो स्टडीज क्यों कैरी किया जाता है ये हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमको शॉर्ट सर्किट कंडीशन फाइंड करना है। शॉर्ट सर्किट का कंडीशन फाइंड करना है किस लिए? ना इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टिंग करने के लिए, किसको? पावर स्टू। ओके, सो लोड फ्लो स्टडीज आर कैरीड आउट टू स्टडी शॉर्ट सर्किट कंडीशन फॉर एनी इंटरकनेक्टेड पावर स्टू। ठीक है, ये फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉस, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉस, ये बॉस क्या है? ये बॉस एक नोड है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कस्टम। ये बॉस एक नोड है एट विच मेनी वन और मेनी लाइन्स आर कनेक्टेड। ओके, तो कितने टाइप का बॉस है? थ्री टाइप्स बॉस है। एक है जनरेटर बॉस, जो कि है जेनरेशन बॉस और जनरेटर बॉस और वोल्टेज कंट्रोल बॉस। ओके, वोल्टेज कंट्रोल्ड बॉस, ठीक है, इसको आप बोलते हैं पीवी बॉस, क्योंकि आपको पी और वी वैल्यू नोन होता है एंड क्यू एंड डेल्टा वैल्यू ये अननोन होता है। ठीक है, ये नोन होता है, ये अननोन होता है। नेक्स्ट है आपका लोड बॉस, इसको बोलते हैं आप पी क्यू बॉस, यानी कि पी क्यू नोन होता है, बच गया वी एंड डेल्टा, ये आपका अननोन होता है। ठीक है, थर्ड है आपका स्लैक बॉस और स्विंग बॉस और रिफरेंस बॉस। ठीक है, इसमें आपका वोल्टेज एंड एंगल डेल्टा नोन होता है एंड एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर अननोन होता है। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं बॉस एडमिटेंस मैट्रिक्स। बॉस एडमिटेंस, चलिए सेल्फ एडमिटेंस यहाँ पे लिखूंगा म्यूचुअल एडमिटेंस। तो सेल्फ एडमिटेंस जो होगा वो वन वन होगा, टू टू होगा, थ्री थ्री होगा एंड फोर फोर होगा। म्यूचुअल जो हो जाएगा आपका वन टू, वन थ्री, वन फोर लाइक। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चन कभी कभी वो पूछ लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स। सो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स याद रखना है जो कि है आई वन आई टू इज इक्वल टू वाई एल अपॉन के स्क्वायर माइनस वाई एल अपॉन के माइनस वाई एल अपॉन के एंड यहाँ पे हो जाएगा वाई एल इज इक्वल टू वी वन वी टू। ये रिलेशन आपको याद रखना है, एक दो मार्क वो पूछ लेते हैं। ठीक है, ये रिलेशन। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ अननोन बॉस वोल्टेज वेरिएबल, कितना बॉस वोल्टेज वेरिएबल है जो कि हमको मालूम नहीं है। तो ये फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 इंटू एन माइनस 2 माइनस एम, ये आपका है पी वी बॉस। ठीक है, ये एन है टोटल नंबर ऑफ बॉस बॉस, ये आप कैसे निकालेंगे? ये आपको दिया रहेगा रिएक्टिव पावर बॉस। ठीक है, आपको दिया रहेगा जेनरेटर बॉस, आपको दिया रहेगा अगर स्लैक बॉस दिया रहेगा तो वन स्लैक बॉस भी दिया रहेगा। तो आपको फाइंड करना है कैसे, रिएक्टिव पावर बॉस प्लस जनरेटर बॉस माइनस वन स्लैक बॉस, ये फॉर्मूला है इसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, रिएक्टिव पावर बॉस प्लस जनरेटर बॉस माइनस वन स्लैक बॉस, ये टोटल नंबर बॉस। तो ये आपका आ जाएगा साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। ठीक है, थैंक यू।